हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं लेके आया हूँ आपके पास 20 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पटेल एक्ट संबंधित है, तो पटेल एक्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि से। कोर पाठ्यक्रम का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया अमेरिकी विद्यालयों में। हॉर्न ने शिक्षण प्रक्रिया के कितने अंग बताए हैं? तो हॉर्न ने शिक्षण प्रक्रिया के 4 अंग बताए हैं, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण और शिक्षण। भाषा कौशलों में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो करना चाहिए उच्चारण कौशल का। पाठ योजना पंचपदी के प्रवर्तक हैं, तो इनका नाम है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे लंदन के। इकाई योजना के निर्माता कौन है? तो इनका नाम था मॉरिशस। सूरदास की कृतियाँ हैं, तो सूरदास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। तुलसीदास के काव्य भेद हैं, तो कौन कौन से हैं? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य। बिहारी के काव्य के प्रमुख रस हैं, तो किस प्रकार का है? यह है श्रृंगार रस। मैथिली षड्गुप्त की वीर रस की प्रधान पुस्तक थी, तो कौन थी? ये थी भारत भारती। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कामायनी को। शब्दों के वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो किया जाता है 4। और देखिए, जिसे देखा ना जिसके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अदृश्य। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। जिसमें धैर्य ना हो उसे कहते हैं अधीर। जो पढ़ा लिखा हो उसे कहते हैं शिक्षित। जो काम करने में कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। और आग का समानार्थी शब्द क्या है? अग्नि। पत्थर का समानार्थी शब्द क्या है? नयन। कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है? धनराज। राजा का समानार्थी शब्द क्या है? महाराज। माता का समानार्थी शब्द क्या है? यह है धात्री। और पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या है? यह है धरा। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।